विराट कोहली शताब्दियों में एक बार पैदा होता है, और विराट कोहली बनने के लिए आपको एक तपस्वी बनना पड़ेगा। लोग तपस्वी नहीं देखते उसका। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मान जाओगे कि सक्सेस अगर आपको लाइफ में पानी है तो लक नाम के झूठ को छोड़ना पड़ेगा, और पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस के लिए लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। सक्सेस के लिए लक नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि जिस दिन आपकी कड़ी मेहनत और आपकी तैयारी जिस दिन उस अपॉर्चुनिटी से टकराती है जो आप ही का इंतजार कर रही है, उस दिन एक धमाका होता है, और उस धमाके को ये दुनिया सक्सेस के नाम से जानती है। और सक्सेस आपको एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस आपको रातों रात नहीं मिलती। इट्स अ जर्नी, इट्स अ स्टोरी। ये तो वो जर्नी है जिस पे आपको खुद ही चलना होता है। विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी की यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, पर इस सक्सेस और इस अचीवमेंट के पीछे कुछ और भी था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया। वो जिसने विराट कोहली को किंग कोहली बनाया, वो जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ एक तूफान की तरह वो बंदा आगे बढ़ा है। मोटिवेशन इज जस्ट अबाउट विनिंग। जिस दिन आई फील लाइक यार आई हैव आई एम स्टैंडिंग ऑन द फील्ड थिंकिंग यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, मतलब वो पैशन नहीं है ना जीतने का, वो एनर्जी नहीं है जीतने की, मैं नहीं खेल सकता, मैं खेल ही नहीं सकता। इफ आई कांट कंट्रीब्यूट टू द टीम आई वोंट प्ले। कुछ सालों पहले तक ये कहा जाता था कि सचिन के 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाएगा, ये एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, ये एक अनथिंकेबल रिकॉर्ड है। पर वही लोग आज ये कहते हैं कि सचिन के 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को अगर कोई प्लेयर तोड़ सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही है। पूरी दुनिया को ये पता है कि विराट कोहली की सक्सेस क्रिकेट में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके टैलेंट और उनके विनिंग एटीट्यूड की वजह से है। पर सवाल अब भी यही उठता है कि विराट कोहली में वो ऐसी कौन सी बात है जो उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह है, जिसने उन्हें एक आइकॉन, एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन बनाया। और ये वो बात है जो हम सबको, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको सीखनी चाहिए, और वो जवाब है विराट कोहली का क्रिकेट के लिए अनशेकेबल डिवोशन। जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में या कुछ भी आगे करना चाहते हो, अब जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ इसे हमेशा याद रखना कि किसी भी काम में सक्सेस आपको तब मिलती है जब उस काम को आप पूरे डिवोशन के साथ करते हो। ये वो डिवोशन, वो डेडिकेशन ही है जो लाइफ में आपको सक्सेस दिलाएगा। बचपन से ही खुद को चैलेंज करने की एक ऐसी आदत थी उस बंदे में कि एक दिन अपने कोच से कहता है कि सर मुझे सीनियर्स के साथ खेलना है, उनके साथ कम्पीट करना है, ये मेरे लेवल के प्लेयर्स मुझे आउट ही नहीं कर पाते, मुझे तो सीनियर लेवल के प्लेयर्स के साथ ही खेलना है। विराट का क्रिकेट के लिए ये वो डिवोशन ही था कि जिस दिन उनके फादर की डेथ हुई, घर पर सब परेशान थे, सब रो रहे थे, तब इन्होंने अपने कोच को फ़ोन किया और सब कुछ बताया और पूछा कि सर मैं क्या करूँ। तब इनके कोच ने इनसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, और तब विराट ने कहा कि मुझे मैच कंप्लीट करना है, आई वॉन्ट टू प्ले, बिकॉज इंडिया के लिए खेलने का ना सिर्फ विराट का बल्कि उनके फादर का भी ड्रीम था। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग कभी कभी टूट जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, और उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में ये डिसीजन लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सो व्हेन वी केम बैक एंड एवरीवन, ऑल द रिलेटिव्स केम इन टू सॉर्ट ऑफ यू नो पे देयर कंडोलेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन आई कॉल्ड माय कोच इन द मॉर्निंग एंड आई आस्क्ड हिम और आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट टू डू, आई सेड आई वांट टू गो एंड प्ले। So he said, are you sure? And me leaving a cricket match was something which was not acceptable, regardless of what happened in life. Initial success ke bawajood bhi Virat Kohli apne aap ko continuously monitor karte rahe ki kya main sahi direction mein ja raha hu ya nahi, kya main wo kar raha hu jo mujhe karna chahiye ya nahi, apne goals ko achieve karne ke liye kya wo action main le raha hu ya nahi। एक इंटरव्यू में विराट ने ये कहा कि 2012 में एक दिन उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इस तरह से हेल्थ रहेगी, अगर ये फिटनेस रहेगी, ये फिजिक रहेगी, तो लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाऊंगा जो अचीव करना चाहता हूँ। और उसी मोमेंट में ये डिसीजन लिया कि अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपने आप को चेंज करूँगा। आई केम आउट ऑफ द शावर, आई लुक्ड एट मायसेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज लाइक दैट्स द टाइम इट हिट मी यू नो, एंड लकीली एवरीथिंग दैट्स
that's been bad in me, somehow I get that calling myself that you need to get it right. It just comes from within. And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you gonna continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, I did not have a cheat day at all. उन्होंने कहा था कि रात को कभी कभी उन्हें इतनी भूख लगती थी कि मानो जैसे बेडशीट को ही खा जाए। तो ये वो कुछ करने का जुनून ही था जिसकी वजह से आज उन्होंने जो भी अचीव किया है वो बाकी एथलीट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जैसे एक भक्त होता है जिसके लिए उसकी भक्ति है वो उसी में डूब जाता है, बिल्कुल वैसे ही विराट कोहली की क्रिकेट के लिए जो भक्ति है उसने उन्हें ये पावर दी, उसने उन्हें ये शक्ति दी जिसकी वजह से आज उन्हें वो सक्सेस मिली है जो वो डिजर्व करते हैं। तो ये सीक्रेट कुछ और नहीं है बल्कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की वजह से ही आप जाने जाओगे, और उस काम को करने में आपका जो डिवोशन है वो ही आपको लाइफ में आगे सक्सेस दिलाएगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल।